काशी हिंदू विश्वविद्यालय छह परीक्षा नियंत्रित कार्यालय पर आज धरने के तीसरे दिन हिंदी विभाग के शोध छात्रों द्वारा श्री रामचरितमानस के साहित्य अखंड पाठ का आरंभ शुरू हुआ। छात्रों का कहना है कि जब तक 5 छात्रों का निष्कासन वापस लेकर पूरे चयनित 73 शोधार्थियों की DRC नहीं की जाएगी, हम सभी छात्र ऐसे ही धरने के लिए विवश रहेंगे और ऐसे ही नित्य प्रति हिंदी साहित्य कार्यों का सामूहिक पाठ करते रहेंगे। मेरा नाम विश्वास त्रिपाठी है और मैं 6 महीने से हिंदी विभाग BHU का शोध छात्र हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 महीने बाद ये लोग फाइनल आंसर के रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्रमिक अनशन 3 दिन से लगातार चला रहे हैं और जिसके संदर्भ में हम लोगों को बहुत दबाव देने के बाद कल कंट्रोलर साहब मिले थे और उन्होंने 10 गार्डों के बीच में जो है मौखिक रूप से बोला है कि हम आज के लिए बोले हैं कि आज वो BC के सामने मेरी बातें रखेंगे और उस पर बात होगी कि ऐसा छात्रों के साथ गलत अन्याय न किया जाए। और जाहिर सी बात है, उनकी गलती है और उनका कर्तव्य भी होता है कि मुद्दा BC के सामने हमारा उठाए और उसी के लिए हम लोग आज शांति स्वरूप जो है यहाँ पे श्री रामचरितमानस का काव्य पाठ कर रहे हैं। हम लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिसके नाते हमारा दायित्व भी होता है कि एक काव्य पाठ हो और एक ये संदेश जाए कि हम लोग जो है एक शांतिपूर्ण और अहिंसा से धरना कर रहे हैं और उनको और BC दोनों लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो है मांगे हैं उनको हमारे पक्ष में निर्णय देना है, तो हम लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं जुलाई 2022 की हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ। जैसा कि आप 3 दिन से देख रहे हैं, हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो कल हमको कंट्रोलर जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, हम कुलपति को आपका संदेश पहुंचा रहे हैं। तो वो उत्तर आने तक उन्होंने हमें शांति बरतने को कहा है, तो साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं ताकि हमारा समय यहाँ बीत सके और हम अपना काम भी कर सके और अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठना जारी रख सके। तो आप रामचरितमानस पाठ करके आप लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं? विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं, हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम तब तक यहाँ बैठे हैं जब तक कि हमें उत्तर नहीं मिल जाता। आप ये भी भगवान से कामना कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान, आप लोग के पक्ष में निर्णय हो? अधिकारी तो सद्बुद्धि वाले, हमें हमारा विश्वविद्यालय वहाँ अधिकारी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। जो समस्याएं उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है, सद्बुद्धि हमें भी मिले और हमारे कार्यों को गति मिले, इसके लिए हम कर